गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपनी लास्ट क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट गाइस। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद मैंने आपको शायद 11 क्वेश्चन करा दिए थे। 11 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, डेंसिटी दी थी, मास दिया था, तो सिग्निफिकेंट फिगर से मैंने आपको निकालना बता दिया था। 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 12 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, राइट। तो गाइस 12 क्वेश्चन जो है वो हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये बोलता है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज इनकरेक्ट। बोलता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो किसी कंपाउंड के लिए इनकरेक्ट है, राइट। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इनकरेक्ट आपको चूज करना है कौन सा गलत है। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हा एक मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। बात समझ में आती है, जैसे कि HCl एक मॉलिक्यूल है, उसमें H और Cl दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट है, तो बात सही है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। मैंने बताया था आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन से पहले मैंने आपको प्योर और मिक्सचर के बारे में बताया था, और प्योर जो मैंने आपको सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करवाया था, तो मैंने प्योर के बारे में आपको बताया था कि इन्हें इनके अंदर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, और हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम आपके पास है तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, और अगर आपके पास HCl है या H2 है तो आप वहां से हाइड्रोजन एटम, Cl एटम या H एटम नहीं निकाल सकते, कोई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी तभी जाके वो वहां से अलग हो सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन नहीं हो सकता। मिक्सचर के अंदर फिजिकल सेपरेशन था, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस हो, तो मिक्सचर के अंदर फिजिकल सेपरेशन था। जैसे कि अगर आपके पास नमक का घोल और पानी, नहीं नमक और पानी का घोल है, तो गर्म करके पानी उड़ा सकते हो, नमक नीचे मिल जाएगा, होमोजीनियस को अलग कर सकते हो। अगर मिट्टी रेत आपके साथ मिली हुई है, मिट्टी रेत पानी के अंदर मिली हुई है, तो छान के आप मिट्टी या रेत को अलग कर सकते हो और पानी को अलग कर सकते हो, हेट्रोजीनियस को भी अलग कर सकते हो, यानी कि मिक्सचर्स को अलग किया जा सकता है लेकिन प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं किया जा सकता। यही बोल रहा है, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कंपाउंड को आप उनके एलिमेंट्स में फिजिकल मेथड से नहीं ब्रेक कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट, ए कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और फोर्थ जो है, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही तो तुम्हारा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो उसका आंसर है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो उसका आंसर है। वो कैसे कि सपोज करो मेरे पास, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे ये स्टेटमेंट गलत है। सपोज करो कि आपके पास H2 है और आपके पास Cl2 है, राइट, और आपने इन दोनों की रिएक्शन करा के HCl बना दिया। क्या बना दिया? HCl। तो ये गैसीय स्टेट में था, ये भी गैसीय स्टेट में था, लेकिन ये जो तुम्हारे पास आया ये आया एक्वस स्टेट में। कैसे आ गया? एक्वस स्टेट में, यानी कि HCl जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, एक्वस स्टेट में होता है। अब मुझे बताओ कि जो इसके एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जैसे कि हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी थी गैसियस स्टेट, क्लोरीन की थी गैसियस स्टेट, कंपाउंड बनाने के बाद क्या ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अभी भी गैस रहे? नहीं, ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे कि कार्बन अकेला अगर पड़ा हो तो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, कोयले के जैसा होता है। वही कार्बन से आपने क्या बना लिया? चीनी बना ली, ग्लूकोज बना लिया, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट, और कार्बन का जो कलर होता है वो होता है सॉलिड, और ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का। बताओ ये कार्बन इसके अंदर भी है और एक ना आधे छेछे हैं,
क्या कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी जो ब्लैकनेस थी वो ग्लूकोज के अंदर भी मौजूद है? नहीं। यानी कि कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि कोई कंपाउंड अपनी एलिमेंट से बनने वाले या अपने जिससे वो एलिमेंट से बनता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कॉन्स्टेंट नहीं रखता। वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन होगी ऐसा नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट कौन सही है गाइस? थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये जो बुक है वो मैं आपके पास भेज भी चुका, तो आप अब इन क्वेश्चंस को लिखे या ना लिखे अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, राइट? हम इनको यहीं से पढ़ते रहेंगे। आप बुक्स में पीडीएफ को खोल लेना, यानी कि जो भी आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप फोन है उसके अंदर आप उसको देख लेना, और यहाँ पे मैं उनके आंसर्स को डिस्कशन कराता रहूँगा जिससे तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की ख़त्म हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है गाइस कहाँ से? सॉल्यूशन से, यानी कि सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है, यानी कि वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था और इसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी भी लगी है, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज भी लगी है, एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो? आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन क्या दिया गाइस आपको? कि 4 Fe प्लस 3 O2 गिव्स 2 Fe2O3, यानी कि 4 मोल आयरन के 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 मोल Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड के देते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर? टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स, राइट, इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट्स, देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, आपको मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा मास, टोटल मास जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में होता है, वो कंजर्व रहता है। यानी कि जो रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट्स का मास था वही उसके प्रोडक्ट्स का मास भी होगा। क्लियर है गाइज? यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे इसका बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, मास को तो हर रिएक्शन फॉलो करती है, ये तो ये हर रिएक्शन फॉलो करती है। यानी कि यहीं पे मुझे आंसर मिल गया कि फर्स्ट इज द राइट आंसर, यहीं मुझे जवाब मिल गया। अच्छा, आगे पढ़ लेते कि ये गलत क्यों है, आंसर तो मिल गया कि सही ये है, गलत क्यों है इनके बारे में पढ़ लेते। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये बात तो यहां तक तो ये बात सही है, यहां तक तो ये बात सही है। देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड, नहीं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया गाइज? गलत हो गया। अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आयरन और ऑक्सीजन इन एक्सेस, नहीं, अगर आप किसी भी एक को एक्सेस में लोगे तो दूसरा तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, है ना, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है, ना कि एक्सेसिव रिएजेंट के हिसाब से। अगर आपको Fe2O3 इंक्रीज करना है तो आपको आयरन भी बढ़ाना पड़ेगा और आपको ऑक्सीजन भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपकी क्या होगी, रिएक्शन संभव हो पाएगी। यानी कि ये भी आपका जवाब जो है वो गलत है। फोर्थ, अमाउंट ऑफ Fe2, देखो हर गलत चीज ही बहुत कुछ सिखा रही है, हर गलत चीज ने बता दिया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, इस गलत ने बता दिया, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट के बारे में आपको बता दिया, कि इससे ये बात पता लगी कि जो हमेशा प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट बनता है, एक्सेसिव रिएजेंट के हिसाब से नहीं बनता। जो अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट की होगी उसी अमाउंट के अनुपात में घाट बाद में घटते बढ़ते क्रम में ही हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक्सेस तो पड़ा रहे, कितना ही पड़ा रहे, हमें उससे क्या मतलब है? अरे जो कम है वही तो रिएक्शन करेगा ना उस एक्सेस के साथ, और वो भी कितने, जितने रिक्वायरमेंट है, बाकी का बचा हुआ क्या है, फालतू पड़ा है, पड़ा रहेगा, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा।
बनेगा किससे प्रोडक्ट? लिमिटिंग रिएजेंट से. किससे बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर है? अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड विल बी डिक्रीज इफ वन ऑफ द एनी, मतलब इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस. अच्छा, जब मैंने बता दिया एक्सेसिव के आने से ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई. लिमिटिंग के आने से बढ़ेगा, लिमिटिंग के जाने से घटेगा. केवल लिमिटिंग काम करता है. आपको घटाना है तो आप दोनों को घटाओ, आपको बढ़ाना है तो आप दोनों को बढ़ाओ. आपको Fe2O3 बढ़ाना है, दोनों को बढ़ा दो. आपको Fe2O3 घटाना है, आप दोनों को घटाओ. किसी एक को घटा बढ़ा के आप कुछ नहीं कर सकते. बात समझ में आई? क्लियर है? ये क्वेश्चन कर लीजिए. कितना प्यारा क्वेश्चन था ये. अब तो आपके पास ग्रुप में ये बुक आ चुकी, अब तो आप इसके क्वेश्चंस कर लोगे गाइस. अच्छे से सॉल्व कर लेना, चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा. ऐसे टेंशन ही लो. आगे चल सकते हैं क्या? सवाल तो आपको नहीं लिखना, बस आप ये लिख लेना कि भाई कौन सा सवाल कैसे करना था. बुक को खोलना, ठीक है, PDF फाइल को खोलना, क्वेश्चन को देखना और वहीं साथ के साथ वीडियो को पॉज करके जो जो मैंने बोला है वो लिखना, दोबारा सुन के लिखना. पर हाँ, ये करना कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना. आपके JEE मेंस और नीट में आपकी बहुत हेल्प करेगा गाइस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ये. ठीक है, आगे चल सकते हैं. आगे चलते हैं गाइस, लेट्स टॉक अबाउट 14 क्वेश्चन. ये है गाइस 14 क्वेश्चन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से करेक्ट नहीं है? आइए इस सवाल की ट्रिक पढ़ लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करना है, तो आप सबसे पहले चेक करें कि रिएक्शन बैलेंस है क्या, यानी कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. अगर रिएक्शन बैलेंस है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होगी डेफिनेटली. अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो भाई वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस हो ही नहीं सकता. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, C+O2 गिव CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस्ड है. आपको बैलेंसिंग करनी आती होगी. रिएक्शन अगर हमारी बैलेंस्ड है तो मुझे आप बताओ, अगर मैं यहां दो कार्बन कर दूं, या पहले बैलेंसिंग करने से पहले देख लेते हैं, ठीक है. अभी इसका मास है 12, इसका मास है 32, और यहाँ पे 12+32 टोटल मास जो है 44 है, और यहाँ भी टोटल मास जो है वो 44, यानी कि ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा लूँ गाइस, क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ कार्बन के आगे, तो यहाँ मास कितना हो जाएगा, 12 × 2 24 आ जाएगा. और 24 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट के ये
24 प्लस 32, 402 हो जाएगा गाइस 6 और 302 हो जाएगा गाइस 5। अब देखो मास है यहाँ 56 और यहाँ कितना है अभी 44, क्योंकि मैंने इधर तो कुछ नहीं किया, यानी कि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो कम ज़्यादा बचा रहेगा, दोनों तरफ मास बराबर नहीं आएगा जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब देखते हैं कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं होगी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही होगी। पहले रिएक्शन में, रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम, कितने मैग्नीशियम है गाइस, 2 मैग्नीशियम है। प्रोडक्ट में कितने मैग्नीशियम है, 2 ही मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी है। 2 ऑक्सीजन है, 1 गुना 2 2 ऑक्सीजन है, 2 गुना 1 2 ही ऑक्सीजन, यानी कि ये रिएक्शन तो परफेक्टली बैलेंस्ड है, यानी कि ये रिएक्शन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होगी। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, कार्बन है 3, इधर कार्बन है केवल 1, बैलेंस नहीं है कार्बन, इधर 3 कार्बन है इधर 1 कार्बन है, कार्बन के चक्कर में इम्बैलेंस हुई। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन के केस में भी इम्बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और 1 3, इस तरफ 2 है इस तरफ 3 है, ये ऑक्सीजन के चक्कर में भी इम्बैलेंस्ड है। जब तक दोनों जगह बराबर नहीं होंगे तब तक मास सेम नहीं हो सकता। बात करते हैं इसकी, 4 फॉस्फोरस 4 फॉस्फोरस, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, क्लियर, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 4 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 2 4 ऑक्सीजन, केवल ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है गाइस ये, क्या है इसका जवाब, सेकंड ऑप्शन, ये है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। किस प्रकार नहीं करती वो देख लेते, C3H8 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2, इसका मास निकालना 36 प्लस 8, इसका कितना आ जाएगा 32, 36 प्लस 8 कितना आ गया गाइस, 4 और 4 44 और यहाँ आया कितना 32, यानी कि टोटल मास कितना आया 76 आया। इसका होता है 44, इसका होता है 18, दोनों को जोड़ना 8 और 4 12, 2 4 1 5 1 6, इधर 62 ही आया, यानी कि ये 62 मास है, ये कुछ 76 है, दोनों बराबर आए ही नहीं, यानी कि इस तरह इस रिएक्शन ने डजंट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको लिख लो, ये आपके करने का है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए, आपके साथ हूं, सारे सवाल आपके करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, जब आपकी जिम्मेदारी मैंने ली है ना तो उसको बहुत अच्छे से निभाऊंगा। वेल टैलेंटेड टीचर है आपके पास, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका पूरा साथ दिया जाएगा गाइस, बस आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे आके सोल्व करवा दूंगा, मुझे तो पता भी है कौन सा कहाँ से पूछा है, लेकिन आपको कोरिलेशन आना चाहिए, ये सवाल कहाँ से उठ के आया है। देखो तो ये 2-3 सवाल जो भी ऊपर मैंने कराए 12, 13 और 14, ये सारे ही जो क्वेश्चंस थे ना बेटा, ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, फिर सब्सटेंस के कुछ लॉज, उनसे था, है ना, आपको पता होना चाहिए।
जैसे अभी जो तुम हो बच्चे हो है ना, तुम अभी नेशनल लेवल एग्जाम्स में घुसने वाले हो। कुछ लोग बहुत देर कर देते हैं कि उनको जेईई मेंस या नीट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके बारे में बहुत पहले क्लियर करना पड़ता है कि शुड आई गिव और नोट, विल यू गिव और नोट, पहले ही पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस पता करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है ना बेटा पेपर में, वो होती है आप जानते सब कुछ हो, आपको पता सब कुछ है, कभी कभी सवाल धोखा खा जाता है। इसने बोला है विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, नॉट करेक्ट वाली आपको ढूंढनी है। ये डब्बे के अंदर नॉट करेक्ट बंद कर लो, वो नॉट करेक्ट बोल रहा है। कभी कभी चीजें सही ना पूछ के वो पूछ लेता है कि गलत कौन सी है, तब आप थोड़े कंफ्यूजन में जाते हो, तब वो सवाल आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। ये मैंने बुक के आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन भी भेजे हैं और साथ ही साथ मैंने आपको उसको सॉल्यूशन भी भेजे हैं, आप वहां से सॉल्यूशन की हेल्प भी ले सकते हैं। पर वो सॉल्यूशंस जो है वो आपको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि पढ़ाया मैंने आपको है, मुझे पता है कि किस सवाल को सोल्व आपको किस टेक्निक से करवाना है। एक सवाल बहुत सारी टेक्निक से सोल्व हो सकता है। हो सकता था कि कोई टीचर उनमें हर एक का मास लिखता फिर देखता, लेकिन मैंने तो एक फंडा बनाया हुआ है कि जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी वो जिंदगी में कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर ही नहीं सकती। ये मेरा प्रूफ है, मेरा आपसे वादा है। इसलिए अलग अलग का मास निकाल के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये था वो की कॉन्सेप्ट। आप बस ये देख लो कौन सी बैलेंस नहीं है। और बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग आपने 10th क्लास में सीखी हुई है। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही आपने बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ज्ञान किस प्रकार कहाँ लग रहा है ना। आप कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे चलते। सवाल हमारे पास बहुत है, सवालों की कमी नहीं है। कर लिया होगा इस आपने, आगे चले 15 की तरफ बढ़ते हैं। इसको पॉज करके लिख लेना। फिफ्टीन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट indicates that law of multiple proportion is being followed। तो ये जो आपका सवाल आया है वो आया है law of multiple proportion। क्या कहता था law of multiple proportion? वो बोलता था अगर दो एलिमेंट या दो मोलिक्यूल या दो एटम्स आपस में मिलके एक से ज़्यादा डिफरेंट यानी कि एक से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि H2+ ½ H2O, H2+ O2 H2O2, तो था उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, था इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उनमें जो उनके रेशो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। अब ये क्या बोलता है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है। सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:2। देखो ये तो बात इसने बहुत सही बता दी, पर ये देखो कि रेशो कितना आता है। अब कार्बन जो है
और ऑक्सीजन जो है O2 आता है यहाँ पे। कार्बन का जो मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 32। देखो नंबर में तो ये एक दूसरे के दोगुने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मास इनका रेशियो आता है 12:32। और 12:30 जो है वो सिंपलेस्ट होता है 3:8। गलत हो गया। कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स नेमली CO2 एंड CO, यानी कि ये तो गलत हो गया, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, ये तो हमारा सवाल का जवाब नहीं है। कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स नेमली CO2 एंड CO, ये बात सही है। मैंने बताया था ना H2 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस H2O2। वेयर मासिस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन आर इन द सिंपल रेशियो 2:1। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, एंड कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जो यहाँ मास है वो 32 और यहाँ जो उसका मास है वो है 16। तो दोनों ऑक्सीजन का जो रेशो आया वो रेशो आया 32:16 और ये आया 2:1। ये तो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि एलिमेंट सेम हो लेकिन उससे कंपाउंड अलग अलग बनते हो तो जो एलिमेंट्स का रेशो होता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन का रेशो होता है। यही है जवाब आपका। देख लेते कि बाकी की क्यों ठीक नहीं है। When magnesium burns in oxygen, the amount of magnesium taken from the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide form. देखो ये बात तो सही है, लेकिन ये जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन हमें कौन सा बताना है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बताना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ठीक है ये, गलत नहीं है, समझे। फोर्थ बोलता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ वाटर वेपर। ये भी सही है, ये भी जो है वो भी सही है, लेकिन ये गेलुसेक लॉ है। ये कौन सा है? गेलुसेक लॉ है। और ये जो है वो है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। तो आपको ढूंढना था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखो चार लॉ आपको बता दिए यहाँ पे, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट भी दिखाया, आपको गेलुसेक का लॉ भी दिखाया। गेलुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ भी वॉल्यूम की बात करो वहाँ पे गेलुसेक का नाम ले दो, क्योंकि गेलुसेक जो था उसने बताया था गेलुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम या गेलुसेक लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर है? इसको लिख लो। जल्दी से लिखिए इसको गाइज।
हो गया होगा गाइस, आगे चले। अब जो बारी आई है वो आई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। किसकी बारी आई है गाइस? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कैसे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक से ज्यादा जवाब सही होते हैं, यानी कि आपको चार ऑप्शन मिलेंगे लेकिन ऑप्शन जो होंगे वो दो या दो से ज्यादा सही होंगे, एक या एक से ज्यादा सही होंगे। बोला भी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू और मोर ऑप्शंस में भी करें, दो तो सही है ही, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको देखने हैं कौन कौन से है। तो पहला सवाल करते हैं इसका 16। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, पहली बात तो जो ऑक्सीजन गैस होता है प्यारे बच्चों वो होता है O2, है ना। ऑक्सीजन एटम होता है O, गैस जब वो बन जाती है तो वो O2 की यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। एट STP इक्वल्स टू वन मोल, तो ये इक्वल्स टू होगा 6.022 इंटू 10^3 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 × 6.022 × 10^3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दो गुने हो जाएगी क्योंकि एक मोलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलके बनता है, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन होता है प्यारे बच्चों O2, उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 30 ग्राम पर मोल। क्या होता है? 30 ग्राम पर मोल, यानी कि मास ऑफ वन मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू 32 ग्राम। अब ये दो चार इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में पता है, देख लो कौन कौन सी मिलती है। फर्स्ट है 6.022 × 10^23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, यहां से बिल्कुल सही आई है ये 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं दो गुना होंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं मास ऑफ वन मोल, यानी कि वन मोल में तो 32 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, राइट। 32 ग्राम ऑफ, ये बात सही है, यानी कि एक मोल में 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है, यानी कि एक मोल में 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। यानी कि 16 का आपके पास दो जवाब सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट। और ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आप लिख लेंगे क्योंकि ये आपके काम भी आती है ना। सवाल तो है ही, लेकिन सवाल से मतलब भी तो पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, सवाल का आंसर ही निकालना थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है। सवाल तो पेपर में आएगा ही नहीं है, लेकिन इसके जैसा तो आ सकता है, ऑक्सीजन की जगह कुछ और डाल सकता है, हमें तो करना आना चाहिए, कैसे करते है? बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम NCERT एग्जाम्पल को सोल्व कर रहे हो, बच्चों को इस बारे के बुक के बारे में पता भी नहीं होता और इसे तो लोग सोल्व करने की सोचते ही नहीं, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में सीधे उठ के आते हैं। मतलब ये तैयारी इसलिए की है कि जो बच्चा साथ ही साथ तैयारी करना चाहता है JEE मेंस की या आपके नीट एग्जामिनेशन की, वो सोल्व करता हुआ चले, हर चैप्टर पढ़े और हर चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को लगा ले। IIT JEE मेंस और नीट तो उसके सामने छोटी चीज है, उससे बड़े बड़े एग्जाम खत्म करता है। KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एग्जाम आता है, स्कॉलरशिप मिलती है आफ्टर 12th इसके लिए, आफ्टर 10th भी मिलती है, आफ्टर 10th भी इसका एग्जाम होता है। यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ KVPY, टाइप ऑन गूगल KVPY, तो KVPY के बारे में आपको पता लग जाएगा क्या होता है KVPY, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा ये आपको बहुत सारे ओलंपियाड्स के सवाल जो आते हैं वो करवाता है,
फिर इससे पहले एम्स के क्वेश्चन आया करता, वो करवाता था, फिर एनडीए के क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, एनडीए के क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, जितना भी जनरल साइंस आता है वो एनडीए के क्वेश्चंस यहीं से उठाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इससे पहले AIEEE और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम भी होते हैं इंजीनियरिंग के, जैसे कि यूपी में होता था पहले UPTU, उत्तर प्रदेश का और यूपी का एक एग्ज़ाम होता था UPTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है ये यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, सीधा चेंज कर देते हैं बस। और MTG की फिंगर टिप्स भी आप क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे, उसके भी MTG की फिंगर टिप्स के वो क्वेश्चन सोल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। उन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीधा उठा के करने को मिलते हैं, तो पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है ना। तो मैं ये भी करवाऊंगा एज वेल एज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो इस चैप्टर से आए हैं किसी नीट या JEE एग्जामिनेशन में। हालांकि कुछ तो मैंने करवाए भी है नीट में, पिछले के 2 साल के क्वेश्चंस कराए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के सीरीज और मैं आपके सामने रखने वाला हूं। डोंट वरी, आपको जो कुछ ही पढ़ाया जाएगा वो आपको IIT JEE और नीट की तैयारी के साथ ही पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज आपको वो चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जाएगी। और मैं खुद केमिस्ट्री में नेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने भी IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, IIT JEE का गेट क्वालिफाइड हूँ, तो टेंशन नहीं ले आप, सब कुछ हो जाएगा आराम से। फटाफट करें इसको, आगे चले, आगे चल सकते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलोज, ये आपको एक रिएक्शन दी है, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ओके, व्हेन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड एंड इट्स मोलरिटी इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज। कितना बढ़िया सवाल है, कितना शानदार सवाल है कि कितनी इसकी अमाउंट बन रही है और कितनी इसकी मोलरिटी है। देखो अब मुझे चेक करो कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया कि नहीं सिखाया। अच्छा, जब हम कंसंट्रेशंस निकालने के सवाल कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो कंसंट्रेशंस के सवाल करते हुए हमने क्या किया था, मैंने आपको मिक्सिंग करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि अगर आप मिक्सिंग करोगे तो कंसंट्रेशंस किस तरह से निकलेगी। तो मैंने बताया था कि अगर आप 2 डिफरेंट सॉल्यूट को लेते हो तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या आती है, अगर आप सेम टाइप के सॉल्यूशन को लेते हो तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या आती है। तो यहाँ सेम टाइप तो नहीं है, यहाँ H2SO4 में NaOH मिलाया जा रहा है ना। तो आपकी जो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन होगी, रिजल्टिंग कंसंट्रेशन जो होगी वो किसकी होगी, Na2SO4 की होगी, इधर तो पानी पड़ा है, तो वो मोलरिटी होगी M1 plus M2, मान के चल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए और M2 मान के चल लेते हैं NaOH के लिए। तो वो ध्यान करना, वो कॉन्सेप्ट दोबारा ध्यान करना, M1 जो था वो M1V1 upon V1 plus V2 के इक्वल हो जाता था और M2 जो था वो M2V2 upon V1 plus V2 के इक्वल हो जाता था।
ध्यान रखना, किया था। इसके बाद M1 की वैल्यू है 0.1, कितनी है 0.1, V1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, और M2 की वैल्यू है 0.1 इंटू V2 की वैल्यू भी 1 है अपॉन 1 प्लस 1, तो वैल्यू आपके पास आई 0.1 प्लस 2 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू जो होगी वो होगी 0.1। क्या होगी वैल्यू आपके पास, 0.1 वैल्यू आपके पास होगी। लेकिन ये 0.1 वैल्यू जो है वो किसके हिसाब से है, जब आपने एक H2SO4 और एक NaOH लिया हो। लेकिन आपने लिया क्या है, आपने लिया है 2NaOH, क्या लिया आपने 2NaOH आपने लिया है, तो आप इस तरह से रिजल्टिंग कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से आएंगे 2H प्लस और यहाँ से आएंगे 1OH माइनस। बात समझ में आती है। अगर केवल कंसंट्रेशन निकालनी होती HCl प्लस NaOH की तो हम सिंपल कर लेते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि कितने OH माइनस वहाँ से आएंगे उस तरह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपना डिफाइन कर ले, ये कॉन्सेप्ट अपना रिफाइन कर ले कि ऐसे आपने निकालनी सीखी थी दो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, टू डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कराता हूँ अभी, ठीक है, पहले आप ये कर लीजिए। करें गाइस, फटाफट करें, इसको लिखें।
करेगा इस सवाल को, करे इस सवाल को एक बार कर लेते। सिंपल ही सवाल है। सिंपल सवाल क्या है, मोल की डेफिनेशन से हो जाएगा। एक मोल ऑफ H2SO4 दो मोल ऑफ NaOH देते हमें एक मोल ऑफ Na2SO4। क्या देते हमें? एक मोल ऑफ Na2SO4 देते हैं। अब इस रिएक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन। क्लियर है? अब आपके पास क्या होगा कि H2SO4 की जो कंसंट्रेशन आपके पास होगी, वो कंसंट्रेशन होगी आपके पास 0.1 मोलर एक लीटर, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.1 मोलर इंटू 1 लीटर। लेकिन आपके पास जो मोल मिले हैं Na2SO4 के, वो मिला है 1 मोल ऑफ Na2SO4। क्या मिला है? 1 मोल ऑफ Na2SO4 किससे मिल सकता है? आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स 1 मोल ऑफ Na2SO4 और 1 मोल ऑफ या 2 मोल ऑफ NaOH गिव्स 1 मोल ऑफ Na2SO4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि एक मोल कितना देगा? 1/2 मोल ऑफ Na2SO4। अब 0.1 मोलर एक लीटर NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल है ये आप निकाल लो। ये आप अगर निकाल लोगे आसानी से हो जाएगा। तो एक लीटर 0.1 मोलर में 0.1 = N/V, 0.1 = N/1, 1 लीटर ही है तो N की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि एक मोल ऑफ NaOH है यहाँ पे। इसमें कितना है? एक मोल ऑफ NaOH, तो 0.1 मोल, तो 0.1 मोल कितना देगा? 1/2 × 0.1, और ये कितना आ जाएगा? 0.025। 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1/2, इसको हटा दो, 2 से 1 तो नहीं कटेगा, 0.0 लगा दिया और 2 × 10, तो 0.02 आ गया। यानी कि आपके पास यहाँ पे आंसर आया 0.2/10, 0.02। कितना आया गाइज? 0.02। ये तो आपने निकाल लिया NaOH के हिसाब से, यानी कि 0.02 इज द आंसर। एक तो ये आया। अभी आपको ग्राम भी बताने हैं, कितनी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट भी आपको बतानी है। आपने मोलारिटी तो आपने बता दी, आप H2SO4 से भी निकाल सकते हो। एक मोल ऑफ H2SO4 कितना दे रहा है? एक मोल ऑफ Na2SO4, पर H2SO4 में जो है वो दो मोल ऑफ H+ है, तो वहां पे भी दो ही देगा एक, फिर डिवाइड 1/2 × 0.1, उससे हो जाएगा। बात करते हैं अमाउंट कितनी है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए यहां से, नंबर ऑफ मोल्स यहां से कितने आए बताओ, कि यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? मोलरिटी अगर आपकी 0.025 है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हो तो आप वॉल्यूम लिखोगे। अब यहाँ जो आप वॉल्यूम लिखोगे वो कितना लिखोगे? एक नहीं लिखोगे, 1+1 = 2 लिखोगे, क्योंकि एक लीटर इसका मिल चुका, एक लीटर इसका मिल चुका 2, और N की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 2 × 0.025, जो होता है 0.5। कितना होता है? 0.5, है ना भाई? 0.025 + 0.025, 0.1224, 0.05, राइट? ये आपका N आ गया। N क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। N क्या होता है जी? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको लिखो फिर इसको कराता हूं। गिवन मास निकाल लो, मोलर मास Na2SO4 का निकाल ही लोगे। तब तक इसका मोलर मास निकाल देता हूं। 23.5 × 2 + सल्फर का कितना होता है?
32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 जा 64, तो 23.5 कितना होता है मल्टीप्लाइड बाई 2 करके आ जाएगा ये 47, 47 आप करते रहो मैं कर रहा हूँ, 47 प्लस 32 प्लस 64, 6 और 7 13, 1 16 4 4 8 और 6 14 143, ये आ गाइज 143 ग्राम पर मोल मोलर मास। क्लियर, थर्ड आंसर तो सही आ ही गया, एक बस एक हमें निकालना है कितना सगेवन मास है। लिख लीजिए इसको जल्दी से गाइस, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही आया एक तो, ठीक है, और एन की वैल्यू आई 0.05 और उसकी वैल्यू है 143 ग्राम पर मोल, राइट। दोबारा से लिख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन सही आया, एन आया 0.05 और मोलर मास जो है वो आया 143। एन इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बाई एम और W इक्वल्स हो जाएगा N इंटू मोलर मास, क्या हो जाएगा 0.05 गुना 143। 0.05 का मतलब क्या होता है 143 गुना 5 अपॉन 100, तो 143 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 5 3 जा 15 का 5 1, क्लियर, 5 4 जा 20 21 1 2, 5 1 जा 5 और 1 6 अपॉन 100, तो ये कितना आया 6.15 ग्राम, कितना आया गाइस 6.15 ग्राम, सॉरी यह आएगा 7, तो ये आ जाएगा गाइस 7.15 ग्राम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7.10, ठीक है गाइस लिख लीजिए। ये आपके दो आंसर आपके सामने हैं, 17 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आने लायक है, नीट में तो नहीं आएगा, जेई में आने लायक क्वेश्चन है ये। यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड थर्ड इज करेक्ट।
हो गया गाइस, हो गया। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन तो करनी थी, ये मैंने पीछे निकाल ही दिया था, ये और क्लियर क्लियर। आगे चले 18th क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते 18 करते हैं, राइट 18 को करते हैं गाइस। कॉपी में खोल के अपनी जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है उसमें देख के इसको सॉल्व करते रहना। चलता हूँ, पोज करके लिखने का मौका दे रहा हूँ, पोज करो लिखो, सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, आगे चलते हैं। एटीन क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। किसके पास जो है, किस पेयर के पास जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसकी बात करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 4 ग्राम ऑफ H2। आपको ग्राम ग्राम में नहीं पता होता, आपको पता होता है मोल में, किसे पता होता है मोल में। तो आप पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करो, 16 ग्राम में 1 नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 16 ग्राम दिया है और O2 का मोलर मास होता है 32, यानी कि 0.5 मोल। कितने हैं? 0.5 मोल। एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10³। पर ये तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो 1 मोल ऑफ O2 हैज 2 × 6.022 × 10³ एटम्स लिखा है। अगर मॉलिक्यूल लिखता तो केवल 6.022 × 10³ लिखता। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए की है क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बनता है। तो कितने हो जाएंगे 0.5 मोल में, कितने हो जाएंगे 2 × 0.5 × 6.022 × 10³। 0.5 × 2 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पे आ गए 6.022 × 10³ एटम्स। किसमें? एक मोल O2 में। इसी का दूसरा पेयर एक मोल, ये 4 ग्राम H2 भी है ना, तो H2 के लिए निकाल लेते हैं। N कितना होगा? गिवन मास 4, मोलर मास 2, ये आगे कितना 2, इसके आगे 2 मोल। अब एक मोल ऑफ H2 में 2 × 6.022 × 10³ एटम्स होते हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 6.022 समथिंग। तो 4 गुना आया और यहाँ पे केवल 6.022 ही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। क्या है पहला स्टेटमेंट? इनकरेक्ट है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका आ गया इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, 16 ग्राम ऑफ O2 आपने अभी निकाला, किस ऊपर भी तो यही था ना, तो जो आपने ऊपर निकाला वही इसके लिए भी ट्रू होगा। अरे 16 ग्राम ऑफ O2 में तो नंबर ऑफ मोल सेम ही हो गए ना भाई। तो हमने इसमें निकाला था कि इस 16 ग्राम ऑफ O2 में 0.5 मोल है और 0.5 मोल में 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बात करते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लियर। अब इसके लिए यहाँ पे निकालते हैं n कितना होगा 44 अपॉन गिवन मास है, मोलर मास भी कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44 ही होता है, 12 + 32 ये हो जाएगा इसका एक मोल। और एक मोल में कितने होते हैं 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और अगर O2 के किसकी बात करूं, O2 के एटम्स की बात करूं, तो कितने हो जाएंगे 2 × 6.022 × 10³ एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है,
इसके अकॉर्डिंग भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर, खलास, इसको भी खत्म करते हैं अभी। अब बात करें थर्ड की। थर्ड के लिए पहले निकालते हैं 28 ग्राम N2 के लिए, N की वैल्यू क्या होगी, 28 अपॉन N2 का मोलर मास कितना होता है, N का होता है 14, N2 का कितना होता है 28, वन ही, यानी कि 1 मोल आया, और एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 N2 के मॉलिक्यूल्स हो गए, या 2 गुना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ N हो गए। बात करते हैं 32 ग्राम O2, किसकी बात करते हैं 32 ग्राम O2, इसके लिए कितना आया, गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 आया इसके लिए, गिवन मास 32 है और मोलर मास भी कितना ही होता है, 32 ही होता है, मोलर मास भी कितना होता है इसका 32, तो एक आया, एक में इसका कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसमें भी 2 इंटू 10 की पावर 6.022 10 की पावर 23 है, और इसमें भी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये लिख लीजिए 1 मोल। क्लियर है, इसको रफ कर देता हूं। अब निकालते हैं 12 ग्राम कार्बन के लिए, इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि एक ही हो जाएगी, और एक मोल में कितने हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो गए, राइट। बात करते 23 ग्राम एनए की, तो 23 ग्राम एनए के लिए क्या होगा जी, गिवन मास 23 मोलर मास भी 23, एक तो एक मोल आ जाएगा, और इसमें भी कितने हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड और फोर्थ सॉरी थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट गाइस, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आज के लिए गाइस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 19 क्वेश्चन से आगे करना शुरू करेंगे, यानी कि 18 से आगे, और मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे कि 22 तक आप करना, मैच कर लेना कि आपने क्या ऐसे ही किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच गाइस, बंद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी न्यूमेरिकल को करते हुए डिफिकल्टी आ रही है, देन पिंग मी ए मैसेज, आई विल डेफिनेटली गिव यू द मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस।